नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से ट्रांजिएंट एनालिसिस में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। द नेटवर्क वॉज इन स्टडी स्टेट व्हेन द स्विच के इज ओपन्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो। फाइंड वी के डी वी के अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर वी के अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। तो हम लोगों को इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उस पर वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, कैपेसिटेंस का वैल्यू 1/2 फैराड, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम एंड 2 ओम, इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी, और हम लोगों को स्विच के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है वी के। तो इन सभी वैल्यू का यूज़ करके हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बिहेवियर को इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इनिशियल कंडीशन इन नेटवर्क एनालिसिस, उस पर मैंने इन दोनों टॉपिक के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि जो स्विच का पोजीशन टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या होगा, ओपन ही रहेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या होता है, ओपन होता है। और टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन पे स्विच का पोजीशन क्या होगा, क्लोज होगा। तो अब हम लोग इन दोनों कंडीशन के लिए पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, और उस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते समय हम लोगों को इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के वैल्यू को ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे वी के वैल्यू को जीरो माइनस और जीरो प्लस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सर्किट का टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन के लिए और टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। अब हम लोग पहले टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन के लिए सर्किट डायग्राम को समझेंगे। तो इस सर्किट डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने इंडक्टेंस को कैसे रिप्लेस किया हुआ है शॉर्ट सर्किट से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इंडक्टेंस फाइनल कंडीशन या स्टडी स्टेट कंडीशन पे हो और अगर उस इंडक्टेंस पे कोई इनिशियल करंट ना दिया हो तो उस इंडक्टेंस को कैसे रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट से। और हम लोग इस सर्किट पर देख पाएंगे कि टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन पे स्विच का पोजीशन क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज होने से ये जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वाला पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने से इस पाथ का इस सर्किट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो जिसके कारण से हम लोगों ने इस कैपेसिटेंस और इस रेजिस्टेंस को टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अब हम लोग आगे टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई जीरो माइनस। अब आई जीरो माइनस का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है 5, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिलेगा 2.5 एम्पियर। और हम लोग इस सर्किट पर देख पाएंगे कि स्विच के क्लोज होने से ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट कंडीशन पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, जीरो।
तो वी के का वैल्यू टी जीरो माइनस कंडीशन पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब हम लोग आगे टी इज इक्वल टू जीरो प्लस के लिए सर्किट डायग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडक्टेंस को कैसे रिप्लेस किया हुआ है, करंट सोर्स की तरह रिप्लेस किया हुआ है, और कैपेसिटेंस को कैसे रिप्लेस किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कैपेसिटेंस जिस पर कि इनिशियल वोल्टेज या इनिशियल चार्ज ना दिया हो, अगर वो सर्किट में पहली बार कनेक्ट हो, तो उसे कैसे रिप्लेस करना होता है, शॉर्ट सर्किट से। और यहाँ पर हम लोगों ने इंडक्टेंस को कैसे रिप्लेस किया हुआ है करंट सोर्स से, क्योंकि यह जो इंडक्टेंस है वह सर्किट में स्विच क्लोज होने के बाद और स्विच क्लोज होने से पहले दोनों समय पर प्रेजेंट है। तो इंडक्टेंस के द्वारा करंट को स्टोर किया जाता है। और यह करंट का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 2.5 एम्पियर, जो कि हम लोगों को टी जीरो माइनस कंडीशन से मिलेगा। तो हम लोग इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना लिख पाएंगे, 2.5 एम्पियर। अब हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं करंट कितना, आई जीरो प्लस, और इस आई जीरो प्लस का वैल्यू इस पूरे सर्किट के करंट के इक्वल में होगा, जो कि कितना है, 2.5 एम्पियर। तो लिख लेते हैं आई जीरो प्लस इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब हम लोग आगे टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन पे हम लोग वी के जीरो प्लस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वी के जीरो प्लस का वैल्यू हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर का रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना दिया है, 1, और हम लोगों को करंट कितना लेना पड़ेगा, आई जीरो प्लस। अब हम लोग इसमें आई जीरो प्लस के वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने टी इज इक्वल टू जीरो माइनस कंडीशन और टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन के लिए सभी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आगे टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए इस सर्किट पर इन सभी इनिशियल वैल्यू का यूज़ करते हुए डी वी के अपॉन डी टी और डी स्क्वेयर वी के अपॉन डी टी स्क्वेयर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग आगे डी वी के अपॉन डी टी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए वी के इक्वेशन को लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो वी के इज इक्वल टू हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, जहाँ पर सी का वैल्यू हम लोगों को कितना पुट करना पड़ेगा, 1/2। तो लिख पाएंगे 2, फिर इंटीग्रेशन इस पर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टी, फिर लिखेंगे आई डी टी, फिर हम लोग आगे लिखेंगे इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को, तो 1 × कितना हो जाएगा, आई। अब हम लोग डी वी के अपॉन डी टी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा डी वी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और जब हम लोग इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा और हम लोगों को मिलेगा 2 × i। फिर इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, डी आई बाई डी टी। अब हम लोग इस इक्वेशन पर टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो टी इज इक्वल टू जीरो प्लस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वी के को कैसे रिप्लेस कर पाएंगे, वी के जीरो प्लस से रिप्लेस कर पाएंगे, और आई को कैसे रिप्लेस करना होगा, आई जीरो प्लस से। तो हम लोगों को इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और हम लोगों को इस इक्वेशन पर आई जीरो प्लस का वैल्यू पहले से पता है, और हम लोगों को इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए
डी बाई डी टी आई जीरो प्लस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को इस सर्किट पर फिर से मेश एनालिसिस का यूज करना होगा, जिस पर हम लोग 5 वोल्ट कैपेसिटेंस 1/2 फेराड, रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम और इंडक्टेंस 1 हेनरी का यूज करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे 5 इज इक्वल टू, और कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई डी टी। फिर रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 एंड 2 ओम, तो दोनों को ऐड करेंगे और ड्रॉप को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू आई। फिर इंडक्टेंस के एक्रॉस लिखेंगे तो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, तो एल का वैल्यू 1। फिर उस पर लिखेंगे डी आई अपॉन डी टी। अब हम लोग इस इक्वेशन पर टी इज इक्वल टू 0+ कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर आई होगा उसको आई 0+ से रिप्लेस कर लेंगे। और टी को कैसे रिप्लेस करेंगे 0+ से, तो हम लोगों को यह इक्वेशन मिलेगा 5 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0+ आई 0+ डी टी। फिर आगे लिखेंगे 3 i 0+ फिर प्लस d/dt i 0+। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है वो कैपेसिटेंस के इनिशियल कंडीशन पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों ने t इज इक्वल टू 0+ कंडीशन पे देखा था कि कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट से, और शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। तो यह जो पूरा का पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग इस इक्वेशन से d/dt i 0+ के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन को लिख पाएंगे d/dt i 0+ इज इक्वल टू 5 माइनस 3 i 0+। अब हम लोग इसमें i 0+ के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है 2.5 एम्पियर। तो पुट कर लेते हैं 5 माइनस 3 इंटू 2.5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -2.5, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे d/dt i 0+ के वैल्यू को इस इक्वेशन पर पुट करेंगे, तो 2 और i 0+ का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है 2.5, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू देख पाएंगे कितना मिला हुआ है -2.5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 2.5 वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने d/dt vk 0+ के वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम लोग आगे d²vk/dt² के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके यूज़ करके आगे सॉल्व करना होगा। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा d²vk/dt². फिर आगे लिख पाएंगे 2 di/dt + d²i/dt². अब हम लोग इस इक्वेशन पर t = 0+ कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को लिख पाएंगे d²/dt² और vk को रिप्लेस करना होगा vk 0+ से। फिर आगे लिखेंगे 2 d/dt और i को रिप्लेस करेंगे i 0+ से। और फिर हम लोग आगे लिखेंगे d²/dt² i 0+। तो हम लोगों ने पहले d/dt i 0+ के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, और हम लोगों को आगे d²/dt² i 0+ के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम लोग आगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0।
और हम लोग आके इस इंटीग्रेशन वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा और मिलेगा 2i। फिर आगे लिखेंगे 3 और i का डिफरेंशिएशन हो जाएगा di अपॉन dt। फिर आगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वेयर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर। अब हम लोग इस पे टी इज इक्वल टू 0+ कंडीशन को अप्लाई करके डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर आई 0+ के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर आई 0+ इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू आई 0+ फिर माइनस 3 डी बाई डी टी आई 0+। तो हम लोगों को आई 0+ का वैल्यू कितना मिला हुआ है 2.5 फिर माइनस 3 और डी बाई डी टी आई 0+ का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ है माइनस 2.5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा 2.5 और यूनिट एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आई 0+ के वैल्यू को इस इक्वेशन पर पुट करके इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लिख पाएंगे 2 और डी बाई डी टी आई 0+ का वैल्यू हम लोगों को मिला है -2.5। फिर आगे पुट करेंगे 2.5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 2.5 और यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का यूज़ करके डिफरेंशियल वाले टर्म को 0+ और 0- कंडीशन पे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।